भारतीय किसान एसोसिएशन द्वारा अयोध्या रेलवे स्टेशन कैंट पर अपनी कई मांगों को लेकर एक मासिक पंचायत आयोजित करके मुख्यमंत्री संबोधित मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसका संचालन किसान नेता समर बहादुर सिंह ने किया। पंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता मुरली अग्रहरी ने बताया कि आज हमारे किसानों की कई समस्या को लेकर अयोध्या रेलवे स्टेशन कैंट पर एक मासिक पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों की जो स्वामीनाथन रिपोर्ट बनी है उसको लागू किया जाए। जब किसान 60 वर्ष से ऊपर हो जाए तो उसको 6,000 गुजर बसर के लिए पेंशन दी जाए, और जो आवारा पशुओं से जनधन का नुकसान हो रहा है आवारा पशुओं को पशुशाला भेजा जाए, किसानों को बिजली व पानी व विद्युत कनेक्शन मुक्त दिया जाए। किसानों की 5 बिंदुओं पर संवेदनशीलता एवं गंभीरतापूर्वक विचार करके यथाशीघ्र निस्तारण किया जाए। किसानों की जो स्वामीनाथन रिपोर्ट बनी है उसको लागू की जाए, और गाँवों में जब किसान 60 साल से ऊपर हो जाए तो उसको 6,000 रुपये गुजर बसर के लिए पेंशन दी जाए। तीसरी मांग मेरी यह है कि जो किस छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, किसानों की फसल चर जाते हैं, तो उनको राज्य सरकार से उनको मुआवजा दिया जाए। पांचवी मांग मेरी है कि नहरों में टेल तक पानी पहुंचाया जाए। छठवीं मांग मेरी यह है कि किसानों को कृषि कार्य के लिए नलकूपों के लिए बिजली मुफ्त दिया जाए कनेक्शन, पर सिटी मजिस्ट्रेट को क्या कहेंगे मांग? उन्होंने कहा जो जिले स्तर की समस्या है उनको हम लोग समस्याओं को हल कराएंगे, और जो जो समस्याएं प्रदेश स्तर की हैं मुख्यमंत्री के स्तर से उनको मैं पत्र बनाकर माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। मुरली अग्रहरी।